स्टूडेंट्स, हम लोग लास्ट वाली चैप्टर में पढ़े थे, यानी लास्ट वाली वीडियोस में हम लोग देखे थे मेस्ट्रुअल साइकिल। अब इससे आगे के हम लोग देखेंगे। मेस्ट्रुअल साइकिल में हम लोग देखे थे ओवुलेशन हुआ था मिड ऑफ द मेस्ट्रुअल साइकिल। उसके बाद हम लोग देखे कि जब ओवुलेशन हो जाता है तो आगे का जितने भी इवेंट्स होते हैं वो प्रोजेस्टेरोन के द्वारा लगभग कंट्रोल हो रहा था, और ओवुलेशन के पहले जो मेन बोलेंगे हार्मोन्स था वो था एस्ट्रोजन, यानी इंडोमेट्रियम में जो चेंजेस लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल था बिफोर ओवुलेशन वो था एस्ट्रोजन, और आफ्टर ओवुलेशन प्रोजेस्टेरोन चेंजेस ला रहा था। इसी ढंग से अब यहाँ पे एक और हम लोग देखेंगे, एक और साइकिल की बात करते हैं हम लोग, उसे हम लोग बोलते हैं एन ओवुलेटरी साइकिल। एन ओवुलेटरी साइकिल, अब यहाँ पे ये जो एन ओवुलेटरी साइकिल जो बोल रहे हैं यहाँ पे, ये साइकिल क्या है? तो ये एक्चुअल में मेस्ट्रुअल साइकिल ही है, लेकिन इसमें ओवुलेशन फेल हो जाता है, होने से ओवुलेशन नहीं होता है यहाँ। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि इट इज़ ए मेस्ट्रुअल साइकिल इन विच ओवुलेशन फेल्स टू अकर्स। इसमें ओवुलेशन फेल कर जाता है, ओवुलेशन नहीं हो पाता है, तो ऐसे साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं? एन ओवुलेटरी साइकिल। एक्चुअल में होता क्या है इसमें? तो इसमें एस्ट्रोजेन इंडोमेट्रियम को क्या करता है? ग्रोथ करवाता है, बट इंडोमेट्रियम ग्रोथ होने के बाद क्या होता है, यहाँ पे एलएच का लेवल नहीं बढ़ पाता है, जिसके वजह से क्या होता है, ओवुलेशन फेल हो जाता है। तो हम लोग देखेंगे ये कि एन ओवुलेटरी साइकिल में होता क्या है। तो इसमें हम लोग अगर बोले तो रोल ऑफ प्रोजेस्टेरोन एब्सेंट देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो इसमें क्या होगा, तो रोल ऑफ प्रोजेस्टेरोन एब्सेंट, इसमें कोई प्रोजेस्टेरोन का रोल देखने को नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ एक है। दूसरा, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि ये किसके थ्रू कंट्रोल हो रहा है कहीं ना कहीं ये, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे कि FSH तो सिक्रेट होगा ही, FSH जब सिक्रेट होगा तो ग्राफियन फॉलिकल डेवलप होगा, लेकिन उससे एस्ट्रोजन सिक्रेट होंगे। तो एन ओवुलेटरी साइकिल में किसका रोल देखने को मिलेगा? एस्ट्रोजन का, एस्ट्रोजन कंट्रोल्स द ग्रोथ ऑफ यूटेराइन इंडोमेट्रियम, यानी जो ग्रोथ होता है इंडोमेट्रियम का, जो हम लोग देखे थे मेस्ट्रुअल साइकिल में एस्ट्रोजन जो कॉज करता था, वो यहां पे होगा। अब क्या होता है यहां पे कि एस्ट्रोजन यहां पे ग्रोथ तो करवाया लेकिन ओवुलेशन नहीं हो पाएगा। तो क्या होगा, जो ओवरग्रोन टिश्यूज है वो क्या करेगा, धीरे धीरे वहाँ से नेक्रोस्ट कर जाएगा। तो एक लिमिट तक ही ये ग्रोथ करवाता है, उसके बाद क्या होगा, तो जो ओवरग्रोन टिश्यूज है वो क्या कर जाएगा, वहाँ पे नेक्रोस्ट कर जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ये कि ओवरग्रोन टिश्यूज ऑफ इंडोमेट्रियम गेट नेक्रोस्ट रिजल्टिंग मेस्ट्रुएशन अकर्स। क्या हो जाएगा? मेस्ट्रुएशन हो जाएगा। तो अब हम लोग बोलेंगे इसमें मेस्ट्रुएशन क्या होगा, तो बिफोर जो मेस्ट्रुएशन साइकिल का जो टाइम था उससे पहले हो जाएगा इसमें ये। तो मेस्ट्रुएशन occurs before the, क्या बोलेंगे, जो एवरेज हम लोग लेते थे बिफोर द 28 डेज, यानी इसमें बोलेंगे एबनॉर्मल की तरह हो जाएगा कहीं ना कहीं, यानी 28 डेज भी होता था वो नहीं होगा ये। तो ये होता है। अब कहते हैं ये एक्चुअल में होता कहाँ है, किस में होता है ये, तो बोलते हैं ये स्टार्टिंग पीरियड में होता है, जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, यानी क्या बोलेंगे उसे, एट द टाइम ऑफ मेनार्क
एंड ऑल्सो एट द टाइम ऑफ मेनोपॉज, जब क्या होता है मेंस्ट्रुएशन स्टॉप होने की जब टाइम होता है उस समय भी इस ढंग से इरेगुलर हो जाता है ये। तो जनरली या यूजुअली भी लिख सकते हैं, यूजुअली एन ओवुलेटरी साइकिल सीन एट द मेनार्की पीरियड या एट द क्या बोलेंगे स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन, एट द स्टार्टिंग मेंस्ट्रुएशन उस समय, और इसी में लिख सकते हैं एंड आल्सो एट टाइम ऑफ मेनोपॉज, मेनोपॉज के टाइम में भी होता है ये। तो ये था यहाँ पे एंड ओवुलेटरी साइकिल्स। तो क्या बोलेंगे, ये एक मेस्ट्रुअल साइकिल की तरह था जिसमें पूरी तरह से कौन है एस्ट्रोजन पे ये डिपेंड करता है। एस्ट्रोजन क्या होता है यहाँ पे बिफोर क्या बोलेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे ओवुलेशन फेल हो जाता है डायरेक्ट बोलेंगे मेस्ट्रुएशन होगा यहाँ पे ये। तो ये केसेस होता है जब स्टार्टिंग ऑफ द मेस्ट क्या होता है मेस्ट्रुएशन उस समय, और जब मेनोपॉज वाली कंडीशन आता है उस समय ये। अब यहाँ पे हम लोग कुछ टर्म्स देखेंगे, तो कुछ चलिए टर्म देखते हैं इसे इरेज के बाद इसे। अब ये टर्म क्या है, तो जैसे डिसमिनोरिया, इसका मतलब क्या होता है पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, ये हो गया। इसी ढंग से अगर हम लोग बात करें एमिनोरिया, मतलब हुआ अब्सेंट ऑफ मेंस्ट्रुएशन। ये डॉक्टर के द्वारा टर्म यूज किया जाता है, जनरली गायनोकोलॉजिस्ट हम लोग बोलते हैं जब मेंस्ट्रुएशन क्या होता है स्टॉप यानी ड्यूरिंग द कंसीव ऑफ प्रेगनेंसी, उस समय क्या होता है डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन पे ये लिखता है एमिनोरिया, क्योंकि उस समय प्रेगनेंसी कंसीव हो जाता है तो मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाता है। नेक्स्ट लिखेंगे पॉलीमिनोरिया यानी इंक्रीज फ्रीक्वेंसी, यानी क्या होगा थोड़ा शॉर्ट ड्यूरेशन पे क्या होगा मेंस्ट्रुएशन होगा ये, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ मेंस्ट्रुएशन। इसके बाद मेनोरेजिया, ये क्या होगा तो इंक्रीज अमाउंट बोलेंगे यहाँ पे एंड ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन, यानी अमाउंट यहाँ पे ब्लीडिंग की बात करें इंक्रीज्ड अमाउंट, मतलब यहाँ पे क्या है लिख देते हैं ये ब्लीडिंग की बात किया जा रहा है अमाउंट का मतलब यहाँ पे ये, एंड इंक्रीज ड्यूरेशन, इंक्रीज ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन। इंक्रीज ड्यूरेशन का मतलब जो नॉर्मली 3 to 4 days होता है वो ज़्यादा बढ़कर 5 to 6 days हो सकता है ये। तो ये कुछ टर्म्स थे ऐसे जिसको हम लोग यूज करते थे। अब चले इससे आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे कुछ और भी है कुछ टर्म्स यहाँ पे। एस्ट्रस साइकिल देखेंगे, एस्ट्रस साइकिल किसमें होता है इट अकर्स इन नॉन प्राइमेट फीमेल। अब जैसे हम लोग बोलते हैं काउ गोट और भी बहुत सारे हंग एनिमल्स, तो ये नॉन प्राइमेट फीमेल्स में होते हैं ये। इसके बाद दूसरा कि इसमें मेंस्ट्रुएशन अब्सेंट होगा, मेंस्ट्रुएशन
अब्सेंट। अब होता क्या है इसमें कि ओवुलेशन जो होता है, इसमें ओवुलेशन होगा और वो मिड ऑफ द एस्टस साइकिल होगा। मिड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल का क्या होगा, बीच में होगा, सॉरी एस्टस साइकिल, एस्ट्रस साइकिल। इसके बाद अगर हम लोग देखें इसमें तो होता क्या है यहाँ पे, तो एस्ट्रोजन का लेवल हाई होता है, एस्ट्रोजन का लेवल हाई होने की वजह से यहाँ पे एस्ट्रस साइकिल होता है यहाँ पे। ये तो देखते हैं यहाँ पे एस्ट्रस, सॉरी एस्ट्रोजन, लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इज हाई, लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इज हाई। अब हाई लेवल होने के वजह से क्या होता है यहाँ पे कि एट बोलेंगे मिड ऑफ द एस्ट्रस साइकिल, एस्ट्रस साइकिल के मिड में यहाँ पे क्या देखने को मिलता है यहाँ पे, तो हम लोग बोलते हैं कि स्ट्रांग सेक्स अर्ज, यानी इसी पीरियड में क्या होगा, तो फीमेल रिसीव हर काउंटर मेल, इसी पीरियड में क्या होगा, फीमेल अपने काउंटर मेल को रिसीव करेगा। ये तो इस तरह के पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं इसे, ये इसमें ये इसको कहते हैं हम लोग हिट पीरियड, हिट पीरियड। तो ये होता है यहाँ पे। अब हम लोग देखें यहाँ पे भी क्या होता है, वही होता है प्री ओवुलेशन और पोस्ट ओवुलेशन, और मिड में क्या होगा, ओवुलेशन होगा। तो ये बिल्कुल सिमिलर किसके तरह है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की तरह ही है, एस्ट्रस साइकिल भी है, लेकिन किस में होता है ये, नॉन प्राइमेट फीमेल्स में होते हैं ये। तो अब आगे देखते हैं, अगर हम लोग फेज की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ भी दो फेज, एक होगा प्री ओवुलेटरी फेज, इसमें क्या होगा प्री ओवुलेटरी फेज में जो चेंज इन यूटराइन इंडोमेट्रियम अकर्स ड्यू टू द एस्ट्रोजन के वजह से, यानी चेंज इन यूटराइन इंडोमेट्रियम अकर्स ड्यू टू किसके वजह से, तो अकर्स ड्यू टू एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन के वजह से होता है। इसलिए इसके बाद क्या होगा, तो ओवुलेशन का फेज आएगा, यानी ओवुलेशन होगा, ओवुलेशन ये कहलाता है मिड, ये मिड में होगा, किसका, मिड ऑफ द एस्ट्रस साइकिल लिख देते हैं, ये एस्ट्रस साइकिल के मिड में होगा ये। इसके बाद क्या होगा, पोस्ट होगा, पोस्ट ओवुलेटरी। तो पोस्ट ओवुलेटरी ओवुलेशन के बाद होगा, लेकिन ओवुलेशन के जस्ट पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहीं पे हम लोग बोलते हैं ये हिट पीरियड। इसी हिट पीरियड की हम लोग बात करे थे जिसमें फीमेल कैन रिसीव हर काउंटर मेल, काउंटर मेल। तो ये जस्ट ओवुलेशन के पहले का ये पीरियड होगा, दैट इज कॉल्ड हिट पीरियड कहते हैं इसे। इसके बाद पोस्ट ओवुलेटरी, पोस्ट ओवुलेटरी में क्या होगा, तो इसमें भी जो चेंज होगा, चेंज इन यूटेराइन इंडोमेट्रियम इज ड्यू टू प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन के वजह से ही क्या होगा, यहाँ चेंजेस होगा ये। तो ये बिल्कुल किसके तरह था, मेंस्ट्रुअल साइकिल की तरह ही था, कौन, ये एस्ट्रस साइकिल, जो कि नॉन प्राइमेट फीमेल्स में होते थे ये। तो यहाँ पे अगर हम लोग बोले कि ये तो क्या कहलाता है, हिट पीरियड, या इसका एक नाम और लिखेगा आपको बुक में, इसको एस्ट्रस भी कहते हैं, एस्ट्रस पीरियड भी कहते हैं ये। तो अब बात यहाँ पर होता है क्या कि ये पीरियड अदर देन द एस्ट्रस पीरियड, जैसे इसके पहले या बाद का पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं,
तो पीरियड अदर देन स्ट्रेस पीरियड और क्या कहलाएगा, कॉल्ड एनेस्टस पीरियड, ANESTRUS एनेस्टस पीरियड ये कहलाएगा, या इसी को हम लोग पैसिव पीरियड भी कहते हैं। ये तो ये था एस्ट्रस साइकिल, यानी इसमें मेंस्ट्रुएशन लैग करता है। तब बोलते हैं होता क्या है, इवेंट तो सिमिलर हो रहा है प्री और पोस्ट ओवुलेटरी दोनों में, यहाँ भी एस्ट्रोजन क्या होगा तो ओवरग्रोन ऑफ टिश्यूज करवाएगा एंडोमेट्रियम का। तो होगा क्या यहाँ पे, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो होता क्या है कि एक्चुअल में ओवरग्रोन टिश्यूज के जो बात करें, अगर हम लोग ओवरग्रोन टिश्यूज जो इंटराइन एंडोमेट्रियम का है वो दैट इज द रीअब्सॉर्ब्ड, क्या होता है रीअब्सॉर्ब्ड, इसके वजह से लैग कर जाता है यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन। ये तो होता क्या है यहाँ पे कि ओवर grown tissues of uterine endometrium, uterine endometrium का overgrown tissue is get reabsorb हो जाता है, जिसके वजह से ही इसी के वजह से क्या होता है तो lack of menstruation। मेंस्ट्रुएशन इसी के वजह से लैग कर जाता है ये। तो ये था एस्ट्रस साइकिल यहाँ पे। अब हम लोग थोड़ा सा और बात करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे हम लोग बात करें यहाँ पे थोड़ा कि इफ नॉन प्राइमेट फीमेल ऑफ मैमल मैमल अगर ये कंटिन्यूअस ब्रीडर अगर है, कंटिन्यूअस ब्रीडर है तो इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि एस्ट्रस साइकिल अकर्स थ्रू आउट द ईयर्स, यानी एस्ट्रस साइकिल अकर्स थ्रू आउट ईयर्स हो रहा है ये, और ओवुलेशन मिड ऑफ द एस्ट्रस साइकिल होगा। अब यहाँ पे हम लोग बात करें कि कंटिन्यूअस ब्रीडर में जैसे हम लोग क्या बोले यहाँ पे कौन आएगा, जैसे काउ गोट ये कंटिन्यूअस ब्रीडर के अंदर में आएंगे। दूसरी तरफ अगर हम लोग कंसिडर करें इफ नॉन प्राइमेट फीमेल ऑफ मैमल इस सीजनल ब्रीडर, अगर बात करें यहाँ पे सीजनल ब्रीडर, सीजनल ब्रीडर तो इसमें क्या होगा तो एस्ट्रस साइकिल अकर्स ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन, यानी एस्ट्रस साइकिल अकर्स ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन, ब्रीडिंग सीजन के दौरान होगा। अब यहाँ पे सीजनल ब्रीडर में कौन आएगा, जैसे हम लोग अब डॉग की बात करते हैं, तो ये था यहाँ पे नॉन प्राइमेट फीमेल मैमल्स का जो अलग अलग टाइप से यहाँ पे एस्ट्रस साइकिल शो हो रहे हैं ये दोनों के केस में। तो ये था यहाँ पे। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे मोड ऑफ ओवुलेशन का, तो देखते हैं यहाँ पे मोड ऑफ ओवुलेशन, मोड ऑफ ओवुलेशन मोड ऑफ ओवुलेशन। अब मोड ऑफ ओवुलेशन में हम लोग देखें तो ये मेनली दो टाइप का होगा, एक स्पॉन्टेनियस और एक क्या होगा इंड्यूस या रिफ्लेक्स बोलते हैं उसी को। तो फर्स्ट होगा स्पॉन्टेनियस ओवुलेशन। अब ये स्पॉन्टेनियस ओवुलेशन क्या होता है तो इट अकर्स ऑटोमेटिकली, किसके वजह से होगा, ड्यू टू हार्मोन्स के वजह से, ये इट अकर्स ऑटोमेटिकली
ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन, जैसे LH हार्मोन के वजह से, तो ये ऑटोमेटिकली होगा इसमें ओवुलेशन। अब स्पॉन्टेनियस ओवुलेशन जो है, ये दो टाइप का हम लोग इसको फिर से बांट सकते हैं, ए और बी में। जैसे ये पीरियोडिक, पीरियोडिक ओवुलेशन। अब पीरियोडिक ओवुलेशन में क्या होगा, तो ओवुलेशन जो होगा, नाम से ही है कि क्या होगा, एक सर्टेन फिक्स पीरियड के बाद ही होगा ये। यानी ओवुलेशन, ओवुलेशन अकर्स एट सर्टेन फिक्स पीरियड, एक फिक्स पीरियड के क्या होगा, बाद ही होगा, जिसमें हम लोग जैसे एग्जांपल्स की अगर बात करें, जैसे ह्यूमन भी इसी के अंदर आता है। यानी हम लोग क्या बोले इसमें, तो जो मंकी था, यानी सीधा बोले तो इसमें प्राइमेट फीमेल, प्राइमेट फीमेल। दूसरा होता है नॉन पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक ओवुलेशन। तो नॉन पीरियोडिक ओवुलेशन में क्या होगा, यहाँ पे ओवुलेशन अकर्स एट मिड ऑफ द, क्या बोलेंगे यहाँ पे, ये क्या होगा, तो साइकिल होगा यहाँ पे ये, तो ओवुलेशन अकर्स एट, सॉरी, अकर्स एट एनी टाइम ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन, ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन, ब्रीडिंग सीजन में किसी समय भी हो सकता है ये, ऐसा है ये। अब इसमें हम लोग किसकी बात करते हैं, जैसे यहाँ पे नॉन प्रोड्यू की केस की अगर हम लोग बात करें, तो जैसे यहाँ पे फ्रॉग की बात करते हैं, ये एग्जांपल्स हो गए। इसके बाद दूसरा केस जो होता है यहाँ पे, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इसमें कि ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन में, जैसे डॉग जो था उसमें की केस में भी ले सकते हैं, यानी किसी भी समय हो सकता है ब्रीडिंग सीजन के समय ये, या ओवुलेशन ये। तो इसके साथ साथ हम लोग और नॉन प्राइमेट फीमेल्स के भी एग्जांपल इसमें पुट कर सकते हैं। दूसरा जो था इसका, वो था सेकेंड, वो था इंड्यूस्ड या रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स ओवुलेशन, या इसी को क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड भी, यानी इंड्यूस्ड ओवुलेशन। तो इसमें क्या होगा, बिना इंड्यूस का नहीं होने जा रहा ओवुलेशन। यानी यहाँ क्या होगा, तो अगर हम लोग लिखें यहाँ पे कि ओवुलेशन अकर्स ड्यूरिंग द एस्ट्रस, एस्ट्रस साइकिल ही होगा इसमें ये, लेकिन ड्यू टू क्या बोलेंगे यहाँ पे, तो एक्सटर्नल स्टिमुली, कहीं ना कहीं इंडक्शन यहाँ पे इंड्यूस किया जाएगा, तभी होगा ये। तो ओवुलेशन अकर्स ड्यूरिंग एस्ट्रस साइकिल ड्यू टू एक्सटर्नल स्टिमुली, एक्सटर्नल स्टिमुली के वजह से होगा। अब यहाँ पे एक्सटर्नल स्टिमुली क्या है, तो जनरली जो बोलते हैं यूजुअली, वो होता है कॉपुलेशन। तो कॉपुलेशन जब होगा तब क्या होगा वहाँ पे, यानी ये कॉपुलेशन क्या करता है, ये इंड्यूस्ड करता है। इंड्यूस क्या करेगा यहाँ पे, तो ये सिक्रीशन, सिक्रीशन ऑफ LH का, जब LH होगा तो ये क्या काउज करवा देगा, ओवुलेशन काउज करवा देगा ये। तो इस ढंग से होता है इसमें, जैसे इसमें हम लोग बोलते हैं क्या, तो जैसे कैट होता है, मिंक होता है, तो इस तरह के जो एनिमल्स है उसमें यूजुअली क्या होता है, तो रिफ्लेक्स ओवुलेशन या इंड्यूस ओवुलेशन होता है। तो ये था दो टाइप का क्या, मोड ऑफ ओवुलेशन। अब हम लोग यहाँ पे आएंगे, हो गया ये। अब हम लोग यहाँ पे जैसे बात कर रहे थे इससे पहले, ब्रीडिंग सीजन में, यानी कुछ नॉन प्राइमेट फीमेल जो थे, जो सीजनल ब्रीडर थे, तो उनमें क्या होता था। एक्चुअल यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन पूछा भी गया है ऐसा ही है, कि जो सीजनल ब्रीडर जो थे, सीजनल ब्रीडर, जैसे हम लोग डॉग की बात किए थे,
एग्जाम्पल में ये। तो इनमें क्या था, एस्टर साइकिल ड्यूरिंग द क्या होता था, तो ब्रीडिंग सीजन के दौरान होता था। लेकिन इसके अलावा जो पीरियड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो पीरियड अदर देन द क्या बोलेंगे, ब्रीडिंग सीजन, यानी पीरियड अदर देन ब्रीडिंग सीजन आर कॉल्ड कॉल्ड एनस्ट्रम। क्या बोलते हैं इसको, एनस्ट्रम। तो ये पूछा जाता है एनस्ट्रम किसको कहते हैं। तो जो सीजनल ब्रीडर होते हैं उनमें ब्रीडिंग सीजन के अलावा जो पीरियड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनस्ट्रम कहते हैं। तो ये था। अब इससे आगे हम लोग को पढ़ना है गैमेटोजेनेसिस। अब गैमेटोजेनेसिस में हम लोग दो आता था गैमेटोजेनेसिस, एक ओजेनेसिस एक स्पर्मेटोजेनेसिस। तो हम लोग एक शॉर्ट व्यू फिर से कोशिश करेंगे देखने का ओजेनेसिस भी, लेकिन हम लोग डिटेल पढ़ चुके हैं ओजेनेसिस कैसे होता था, ये सारा कुछ हम लोग देख चुके हैं। तो मेनली हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे किसके ऊपर, तो गैमेटोजेनेसिस के अंदर दो है, एक स्पर्मेटोजेनेसिस है दूसरा ओजेनेसिस। तो मेनली फोकस ज़्यादातर होगा किस पे, स्पर्मेटोजेनेसिस पे। तो अब ये नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं इसे।